हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? टॉपर्स एग्जाम डॉट कॉम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आरआरसी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2022 एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। इसके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमारे पोर्टल पर अपडेट सिलेबस, एक्स्ट्रा पैकेजेस, स्टडी मटेरियल, साथ ही में रिविज़न मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया गया है। उनकी हेल्प से आप इस एग्जाम के इजीली बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न, सेशनल टेस्ट, कॉम्बो पैकेजेस, बुक एंड प्रिंटेड मटेरियल, साथ में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए फ्री मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल की गई है। इनकी हेल्प से आप इस एग्जाम के इजीली बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं, उससे पहले यदि आपने हमारे विजिट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो नए जुड़े हैं, लेटेस्ट जुड़े हैं, वो भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट एग्जाम्स और वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन जानकारी मिलती चली जाएगी। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको हमारे पोर्टल की इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी कि हमारे विजिट पर आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड है। जिस भी लैंग्वेज में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए, आपको फ्री टेक्स्ट क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। इनके हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। इस पर आप प्रैक्टिस रिविजन दोनों कर सकते हैं। शो आंसर पर क्लिक करते नीचे करेक्ट आंसर और सोल्यूशन भी आपको दिया गया है। यदि आप अपडेट सिलेबस जानना चाहते हैं तो एग्जाम सिलेबस पर क्लिक करें। एग्जाम सिलेबस की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही में रिक्रूटमेंट बोर्ड है रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरसी, पोस्ट नेम है ट्रेड अप्रेंटिस, नंबर ऑफ वैकेंसी 2422, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑफिशियल विजिट है आपका @rrcr.com पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नीचे एग्जाम पैटर्न भी आपको डिस्प्ले किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज पूरे टॉपिक्स आपको अवेलेबल किए गए हैं। यहाँ पर सिलेबस आपको पूरा दिया गया है। एग्जाम पैटर्न में 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। इसमें सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स की फैसिलिटी आपको दी गई है। इनके अकॉर्डिंग आप एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी इजीली कर सकते हैं। वैकेंसी रिलेटेड और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्लिक फॉर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, जिसमें वैकेंसी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म अप्लाई प्रोसेस, एडमिट कार्ड और रिजल्ट जब जारी किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कॉम्बो पैकेजेस जानना चाहते हैं तो कॉम्बो पैकेज पर क्लिक करें। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कॉम्बो पैकेज प्रोवाइड है। जिस भी लैंग्वेज में आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक करें। इनसे आप इजिली बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनकी हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में भी ले सकते हैं। यहाँ पर पूरे पैकेजेस आपको दिए गए हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यदि आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो फ्री मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जिस भी लैंग्वेज में आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए, आपको फ्री टेस्ट पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर आपको एम टू बिगिन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। यदि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया 7S पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई देगा। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं, 7S पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ ब्राउन कलर दिखाई देगा। ऐसे आप वन बाय वन क्वेश्चन करते जाइए, 7S पर क्लिक करते जाइए। यदि आप इसका रिजल्ट जानना चाहते हैं तो सबमिट एस पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करते हैं आपको रिजल्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, साथ ही में सब्जेक्ट वाइज नंबर भी आपको मिलते चले जाएंगे। यदि आप वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो व्यू आंसर पर क्लिक करें। यदि अपने पेज पर जाना चाहते हैं तो गो टू एग्जाम पेज पर क्लिक करें। गो टू एग्जाम पेज पर क्लिक करते हैं, आपको स्क्रीन पर बुक एंड प्रिंटेड मटेरियल पर क्लिक करें। बुक प्रिंटेड मटेरियल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। यदि आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक करें। इनसे आप इजीली बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और इनकी हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में भी ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल दिया गया है, इन्हें आप घर बैठे इजिली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पैकेजेस आपको दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन डायरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई बुक्स, ई लर्निंग कोर्सेज, इनकी हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। आप इन्हें भी परचेस कर सकते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, आपको पूरे पैकेजेस शो होंगे। किसी भी पैकेजेस को आप इजीली परचेस कर सकते हैं और इनकी हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा ई लर्निंग कोर्सेज दिया गया है, अलग अलग आपको अमाउंट भी आपको अलग अलग दिया गया है।
इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसी को भी आप परचेज करके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। यदि आप डेमो देना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का तो व्यूअल पे क्लिक करें। व्यूअल पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर पूरे पैकेजेस दिए गए हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चेक डेमो पर क्लिक करके आप डेमो भी दे सकते हैं। इन्हें परचेस करने के लिए बाय पे क्लिक करें। यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसी को भी आप इजीली परचेस कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर और भी पैकेजेस दिए गए हैं, जिसमें ई बुक्स, क्वेश्चन बैंक, बुक एंड प्रिंटेड मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, ये भी आपको अवेलेबल है। इन पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही आप हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे विजिट से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बेल आइकन पर जो क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स दिए गए हैं, नीचे विजिट का भी लिंक दिया गया है, उस पर विजिट करके आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम के साथ आपको फिर मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।